हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शौर्य भारत सैनिक एलिमेंट्री स्कूल यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज बात कर रहे हैं RIMC के फीस और स्कॉलरशिप के अंदर कितने चार्जेस लगते हैं उसको लेकर। तो बता दूं कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देश के प्रतिष्ठित स्कूलों में से प्रमुख है और इसमें एडमिशन के लिए देश भर के बच्चे दिन रात एक कर देते हैं तैयारी करने के लिए। आपको बता दें कि RIMC की जो फीस है वो काफ़ी नॉमिनल है। इस 6 महीने की फीस जो है करीब 38,000 रुपये यानी कि 38,000 रहती है और अगर हम साल भर की फीस की बात करें तो लगभग 77,000 है ना, 77,000 रुपये फीस रहने वाली है। वहीं कई स्टेट्स ऐसे हैं जो इस बच्चों को यानी अपने कैडेट्स को स्कॉलरशिप भी देते हैं। तो नागालैंड जैसा स्टेट जो है वो पूरी की पूरी फीस जो है रीइंबर्स कर देता है। रीइंबर्स का क्या मतलब हुआ, यानी कि वो अपनी तरफ से यानी कि स्टेट गवर्नमेंट पूरी की पूरी फीस अपनी तरफ से लगाती है। वहीं हाई स्कॉलरशिप फीस देने वाले स्टेट्स के अंदर हमारे प्रमुख है, स्पेशल है, इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन से हैं, वो है हमारे हरियाणा, गुजरात, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। वहीं कई स्टेट्स ऐसे भी हैं जो 30,000 से 50,000 तक की भी स्कॉलरशिप अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर सिर्फ 12,000 रुपये ही स्कॉलरशिप फीस के तौर पे दी जाती है। वो स्टेट्स हैं राजस्थान, ओडिशा और मध्य प्रदेश। ऐसी अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए शौर्य भारत के साथ में। धन्यवाद।